अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नंद भाभी किचन। ये देखें जी, आज हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो कि केक है जी। हमने डोल केक बनाया, बर्थडे केक है और विदाउट ओवन। जैसे कि आपको पता है मैं अपने देश की भी बनाती हूँ केक, इसको कितना प्यारा सा नंद ने डेकोरेट किया। देखें मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा फ्लेवर्स, इसका वनीला फ्लेवर्स का ये है, ठीक है। ऊपर मैंने रेड कलर दे के क्रीम से इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लियर कर दूंगी। इसमें ये ऑयल है मेरे पास, वाइट फ्लोर है, बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, एग जो है उनको मैंने अच्छे से ब्लेंडर में, ठीक है, मैं बीट कर रही हूँ, ठीक है, उनको मैंने शुगर को, और वो जो जितनी भी क्वांटिटी है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, क्योंकि मैंने केक की रेसिपी बहुत दफ़ा दी है, इसलिए मैं बार बार वो नहीं दी। मैं सिर्फ ये देखें, सो इसको मैं ऑयल इसको ग्रीस कर रही हूँ, मैट मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने इसको बटर पेपर ज़्यादा लिया ताकि वो लंबाई में था, मैंने डोल केक बनाना था, बटर पेपर ज़्यादा लिया ताकि अच्छे से वो बाहर आ सके। मैंने अच्छे से बीट कर लिया सब चीज़ों को, एग को और शुगर को अच्छे से आपने बीट करना है, बाकी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना थोड़ा सा, हैंड से भी आप कर सकते हैं, हैंड बीट से भी, और आप चाहें तो स्लो पे आपने चला के ना ब्लेंडर जो है, जूसर जो होता है, ठीक है, स्लो आपने स्पीड पे चला के बाकी आपने वाइट फ्लोर वगैरह ऐड कर लेना, ठीक है। मैं पहले से भी ये सारा वो विदाउट ओवन और विदाउट वो दे चुकी हूँ, ठीक है। आप मेरी अगर चाहें तो देख सकते हैं रेसिपी केक की, मैंने बहुत रेसिपी, ये देखी मैं अब चेक किया, मैंने पहले भी चेक किया था, थोड़ा था मुझे वेट लग रहा था, ठीक है, हमारी बिल्कुल ड्राई है, इट्स मीन रेडी है। ये मैंने इसको थ्रेड से कटिंग कर ली अच्छे से, धागे से मैंने कटिंग करनी थी, वो मैंने अब दिखाना था, मेरी थोड़ी वीडियो मैं नहीं दिखा सकी। ये मैंने इसको नाइफ से कट नहीं किया, मैंने थ्रेड से कट किया जी। अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। हाँ ही आज करती रहेंगी जी मैं कर रही हूँ, वो सारे नोट करते हैं ना मैं क्या कहती हूँ। देखिए ना, ये देखिए जी, हमने एक एक पीस किशमिश भी डाली थी हमने साथ, थोड़े थोड़े से बादाम डाले थे, और उसकी जितनी हमारी जो लेयर्स है उसमें हम क्रीम लगाकर एक दूसरे को आपस में अटैच करते जा रहे हैं जी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत इजी डोल केक हमने बनाया, बहुत इजी। अच्छा लगता था ना देख करके, पता नहीं डोल केक कैसे बनाई जाती है, वाह इतना जबरदस्त केक बना मैंने, लेकिन अब जब बनाया है तो बहुत ही इजी था और मुझे वैसे बनाते हुए मजा भी बहुत आया। अच्छा, हमने कोई केक जाया नहीं किया, मैंने अक्सर देखा है कि उसकी शेप लाने के लिए केक जाया कर देते हैं, उसकी वो एक कमर को साइज देने के लिए इस तरह का, लेकिन हमने बस जस्ट उसके ऊपर डोल ऐसे फिट कर दी है, ठीक है, एक छोटी सी स्टिक लगा के उसके अंदर हमने डाल दी थी डोल को, हमने उसके अंदर फिट कर दी। अब मैंने कलर ऐड कर दिया, जो क्रीम मेरी बच गई थी, क्रीम को मैंने क्रीम ले ली थी उसको बीट कर लिया था, अब उसमें रेड कलर ऐड करके हम उस पे प्यारे से फ्लावर बना रहे हैं। ये देखिए जी फ्लावर्स, अच्छा जो हमने इसलिए नहीं उसकी वो कमर वगैरह बनाई ना, क्योंकि हमने अपने फ्लावर्स के साथ ही उसको फुल हैवी कर दिया था कि वो हमारे ऐसे ही लगेगा जैसे एक डॉल है और उसका एक फ्रॉक जो है वो। आप बिलीव करें कि मुझे आज सैलून पे सब लड़कियों ने पूछा कि मैम आप लोगों ने कितने का ऑर्डर पे बनवाया ये केक, मैंने कहा जी हमने खुद बनाया ये केक जी। मज़ेदार सी रेसिपी है हमारी, कल इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आएगा। हमें अपनी दुआओं में भी याद रखा करो, हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।